वर्ल्ड मीडिया टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा मनदीप कौर। जिलाधिकारी ने किया ढाई घाट मेले का निरीक्षण। ढाई घाट गंगा तट पर लगे कार्तिक मेले को तंबुओं का शहर भी बोला जाता है। ढाई घाट मेले में लगने वाले मीना बाजार की रौनक बढ़ने लगी है। 12 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर मुख्य स्नान पर्व के लिए अधिकारी मेला कैंप्स में टेंटों के प्रवास कर जरूरी व्यवस्थाएं मुकम्मल कराने में जुट गए हैं। साथ ही शांति व्यवस्था के लिए पुलिस कर्मियों को मेला परिसर में लगातार भ्रमण करने के निर्देश दिए गए हैं। मेले में जिला पंचायत की ओर से की जा रही व्यवस्थाओं का जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा ने प्रशासनिक अमले के साथ निरीक्षण किया और मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मेले की व्यवस्थाओं को देखकर जिलाधिकारी संतुष्ट नजर आया। आपको बता दें, मेले में जिले के अलावा हरदोई, फर्रुखाबाद, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, एटा, इटावा, मैनपुरी आदि जनपदों के श्रद्धालु गंगा स्नान को आते हैं। आइए सुनाते हैं शाहजहांपुर के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने क्या कहा। उस मेले का इंतजाम जिला पंचायत की ओर से किया जाता है और सुरक्षा प्रबंध हम लोग करते हैं। यहाँ पर कैंप लग गए हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, चिकित्सा के लिए सीएमओ साहब की टीम यहाँ तैनात है, पुलिस फोर्स लगी हुई है, सीओ और एसडीएम साहब मौके पर हैं। कोई दुर्घटना न हो जाए इसकी सावधानी बरतते हुए हम लोगों ने पीएसी की एक टुकड़ी में यहाँ रखी है जो गोताखोरों की है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट गोताखोर भी तैनात किए गए हैं। इंतजाम का आज मुआयना मेरे और कप्तान साहब के द्वारा इस नज़रिए से किया गया है कि किसी प्रकार की कोई तकलीफ श्रद्धालुओं को न हो और कल जो मुख्य पर्व है स्नान का वो आसानी से और अच्छे तरीके से लोग सफल हो सके। सर, सफाई को लेकर क्या निर्देश दिए? सफाई को लेकर यहाँ पर इन लोगों की जिला पंचायत के द्वारा कुछ लोगों की टीम रखी गई है। स्कूली बच्चों को इन्वॉल्व किया गया है ताकि वो स्वच्छता विषय जानकारी दें। पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट घूम कर ये भी देख रहे हैं कि पॉलीथीन का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, तो लोकल पे चेतना फैलाना और सफाई के लिए सफाई कर्मियों की टीम पर रखना। इसके अलावा ये देखा जाएगा कि नदियों में कोई साबुन इत्यादि का इस्तेमाल न करे और उसे गंदा न करे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब